नमस्कार, कैसे हैं आप? जाहिर सी बात है, बढ़िया ही होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि एक एपिसोड था, एक कार वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें वो थे अपने जिनको हरनिया बोल रहे थे बार बार कि मुझे हरनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनको एक्चुअली में हरनिया था। और रही बात, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, जैसे वो चीजों को दबा रहे थे ना। और ये क्या आती उतरती है ना, आवाज कैसी आ रही? वही पानी ऐसा आती होती है सारी, पेट में आते ही ये तो है, तो उसी से मेरी कमजोरी की वजह से उसे नहीं ले आज 3 साल। तो वो एपिसोड में मैंने लिखा भी था कि टू बी कंटिन्यू। तो देखा आपने, राजू भैया के साथ जो दिक्कत थी, मैंने आपसे बोला था कि यार इसमें जरूर कुछ ना कुछ इनकी मदद, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अगर आपके बस में है किसी के लिए कुछ करना, तो वो कर देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो बात अलग है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, कई लोगों ने YouTube पे कमेंट किया, Facebook पे बहुत लोगों के कमेंट आए, कनेक्ट करने की मुझसे कोशिश करी कि हम भी इसकी मदद करना चाहते हैं, हम भी इनके इलाज में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने आसपास जो भी मदद करना चाहते थे, आसपास भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए वाकई में आप अगर ऐसा कुछ कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो आप वहां पर कर दीजिए। मेरे पास में यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ज्यादा ज्ञान न लगाते हुए अगर किसी की जरूरत में आप काम आ सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ सकते हो तो ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने करना है जी। तो ठीक है, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। और बीच में थोड़ा सा ये मामला लेट इसलिए हो गया कि थोड़ा ट्रैवल करना था, मैं मुंबई पहुंचा था, और मुंबई में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। बट उसके पीछे जाने की वजह जो है वो भी बहुत सारा प्यार करने वाले लोग ही थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक बहुत बड़ा मंच मिला, जहां पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला आपके इस छोटे से भाई को। आरजी ऑफ द ईयर जो है वो दिया गया, सिल्वर अवार्ड जो है वो मिला मुझे। और ये क्या है, ये पूरे देश भर के जितने रेडियो स्टेशन है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ चुनिंदा लोगों को ये अवार्ड मिलता है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी, और जब वो पता चला तो मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी, और ये भी पॉसिबल हुआ आपके प्यार की वजह से। मुंबई में क्या किया वो भी आपको छोटी सी झलक जो है वो एक दिखाते हैं। था जी पूरा मामला। अभी आपको मिलवाते हैं मुद्दे की बात पे, जिनके बारे में बात यहाँ पर हो रही थी, यानी कि अपने राजू भैया, और उनके लिए क्या इंतजाम किया है वो भी जरा दिखाते हैं आपको। पहले जहाँ पर उन्होंने बुलाया मिलने के लिए वहां पर चलते हैं ना। तो ये आ गए जी राजू भैया, क्या हाल है? नमस्ते। सब बढ़िया? बढ़िया सब। अपना चाहिए बताओ, वीडियो देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल साहब देखा, बहुत अच्छा लगा था। देखा, घर पे दिखाया? अच्छा लगा। क्या बोले गांव वाले? गांव वाले कह रहे कहां साहब के चक्कर में फंस गए, बहुत नहीं तुम पे कह रहे हैं ऑपरेशन करवाएंगे, वो करवा देंगे फिर। अच्छा, अबे ऑपरेशन तो चलो ठीक है, उस मुद्दे पे तो आ रहे हैं, कभी दोबारा बैठे फिर किसी दूसरी गाड़ी में? नहीं साहब, आपके अलावा किसी का बैठे ही नहीं, इतना डर लग रहा था साहब। क्या करें, हम खुद ही एकदम, गांव वाले कह रहे बड़बड़ा गया था तू भी, हमने कहा साहब बड़बड़ा गए थे। तो उसके बाद फिर अब दोबारा नहीं बैठे? दोबारा कैसे जाते हो घर? घर चले जाते हैं कैसे, जैसे रोज जाते थे। अच्छा, अभी इसका क्या हाल है? इसका साहब वही है, क्या बता रहे थे, क्या हो गया वो हरनिया का बारे में? हरनिया? हरनिया ये है, हरनिया। तो इसमें इसमें क्या दिक्कत क्या होती है? इसमें सर सूज जाती है, फिर दिक्कत होती है चढ़ाने में और दर्द करने लगती। अच्छा, एक डॉक्टर साहब को फोन मिलाते हैं। डॉक्टर साहब पूरा बोल रहा था, ये वो मैंने बीच में आपसे बात करी थी ना एक हरनिया के लिए, तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं राजू जी, और इसमें थोड़ा सा बताएंगे डॉक्टर साहब कितने दिन का प्रोसेस है, कब तक एडमिट रहेंगे, क्या होगा? एक्चुअली मैंने आपसे जैसा बताया था कि हरनिया के केस में जिस दिन ऑपरेशन हो उसके एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अच्छा, कुछ प्री एनेस्थीसिया चेकअप्स करने पड़ते हैं जी, पेशेंट की फिटनेस वगैरह देखनी पड़ती है, कुछ अगर डिफिशिएंसी है तो उसको पूरा करना पड़ता है, देन आफ्टर 24 आवर्स हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, और ऑपरेशन के सेकेंड डे थर्ड डे हम इसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो 2 से 3 दिन का इनका पूरा प्रोसीजर रहेगा? टोटल 4 दिन आप मांग के चलिए।
अच्छा इनका ये थोड़ा ड्रिंक व्रिंक का मामला, ये अभी बंद करना पड़ेगा इनको पूरी तरीके से? पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, और मुझे इनका लीवर का स्टेटस भी देखना पड़ेगा कितना अल्कोहल फ्रीक्वेंसी रही है इनकी। कितना पीते हो भैया दिन भर में? बस एक बार पीते शाम को, एक बार पीते मगर अब नहीं पी रहे हैं, कम कर दी महीना खाल से, महीने भर से कम कर दी है। नहीं साहब ऐसा नहीं, ये मेरे को लग रहा है एक बार वो टेस्ट वगैरह सब आ जाएंगे ना इनकी रिपोर्ट, हाँ, तो उसमें ज्यादा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेट के एक दिन पहले हम खाया नहीं अभी हमने कुछ, अच्छा चेक करके इसके बाद ही आपने बोला तो इनके इनके डॉक्टर साहब को टेस्ट वगैरह होने जो आप व्हाट्सएप करेंगे मैं करवा दूँ या ऐसा कुछ वहीं पे होगा? नहीं, जब आप हॉस्पिटल आएंगे तो हम यहीं पर जो रूटीन चेकअप्स होते हैं सब यहीं पे करवाओगे। जिस दिन ये आए तो बिल्कुल एकदम एम्प्टी स्टमक खाली पेट इनको बुलाएं। मैं प्लान करके इनको लेकर ना आपके पास जिस दिन का भी प्लान बनेगा मैं कॉल करके एक दिन पहले अगले दिन आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजू भैया उठा लियो। हाँ बाबा, बाबा हाँ बाबा हाँ हाँ ठीक है दे देंगे। ये क्या है? बस आधा घंटा लगेगा आ रहे हैं। बस यहीं पे है आपके बगल में है थोड़ा। ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं 15-20 मिनट में आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक ठीक सर ठीक 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 है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक 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 है ठीक है ठीक है साहब ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर आ रहे यार। ये क्या मंगा रहा? ये एक ड्राइवर है बरात आई है। अब यार डॉक्टर साहब से हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो बता रहा क्वार्टर लेते हैं ना दो, तो वो मंगाए हैं ना उसने, तो हम जा तो रहे नहीं है उसके पास है, तो तुम तो बता रहे हो जा रहे हैं हम जाएंगे जब टाइम, तो उनको ना फंसवा देना कहीं ऑपरेशन ऑपरेशन चले जाओ। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। है नहीं सर ऐसा नहीं होगा। अब बोला क्वार्टर लेते हैं ना? अरे मंगाए हैं सर उसने, वो कह रहा भैया पैसे ले लेना, तो कोई रिश्तेदार आया है तो मंगा नहीं है। भैया कौन, उनसे पैसे ले लेना? नहीं हाँ कहूँ तो भैया वो कहे ना हम ही से पैसे लेना, पैसे हो तो लेते आना बस इतना बोल। वाई गुरु बीवी किसी दिन कुटाई करे बहुत तगड़ी करती है साहब, करती है तो सही, तुम्हारे लक्षण ऐसे ही तुम्हारे होनी चाहिए। ऑपरेशन कराना इधर तुम्हारी वो चल रही क्वार्टर नहीं साहब, फिर कभी कभार महीना खान में एक दो भाई जांचे कराएंगे सब पता चल जाएगा तुमने कब पिया कब नहीं। अब नहीं पियेंगे सर हैं, कुछ खाएंगे। पिछली बार कब पिए थे बताओ? पिछली बार हो गया अगले संडे को मीट बनाया था। कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। पिछले संडे तुम बता रहे बस तब से अभी गुरु बहुत उजड़ आदमी हो है राजू भैया। नहीं साहब ऐसा नहीं है, जनता तुम्हारे लिए इतना मतलब पीछे पड़ी कि इनका ऑपरेशन कराओ। गुड्डू भैया चल रहा नाटी बॉय एकदम फुल पार्टी एंजॉयमेंट, अब कम कर दो। नहीं हम ये नहीं कह रहे कि मत पियो, पियो ठीक है लेकिन अभी थोड़ा इलाज इलाज करा लो चाचा, है कि नहीं? नहीं अभी वहाँ तक तो लटक के आ रही गई पॉइंट की मोरीज बाहर आ गई, किसी दिन तो क्या करोगे? हम तो मरने वाले में सोचते है नहीं, मरना सबको एक दिन है यार, लेकिन ऐसे क्या फायदा कि खुद ही मर जाओ। खुद ही मर जाओ वाला अपने टाइम से बुलाता है, अब तुम पहले ही बैठे वहाँ पे, वो जो है एंट्री टिकट लिए बैठे होगी, हमको पहले आना क्या फायदा? तो इसलिए ये दो क्वार्टर लेके जा रहे हैं उनके लिए। नहीं सर मंगाए तो कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए हम पियेंगे नहीं सर। नाटी बॉय प्रोग्राम नहीं पियेंगे सर। सही है बेटा सही है, तो चलो भैया डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं बहुत जल्दी है ना। अब इनको जो है आपसे मिलवाएंगे जब ये ऑपरेट हो जाएंगे, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे क्योंकि चाचा की हरकतें ऐसी ना कि पता चला जांच में रिपोर्ट में आ गया फिर वो बोले नहीं अभी 10 दिन और वेट करो या 5 दिन और वेट करो। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा जब ये ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक सर सुधर जाओ। सुधर जाएंगे सर, आज के बाद हम दारू नहीं पी। अच्छा यार अब बोले जा रहे सर ऐसी बात। अच्छा तुम फोन काट नहीं पा रहे थे ना, वो बोले क्या कह रहे सर आप बैठे। अब जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तब वीडियो बनाएंगे तुम्हारे। ठीक है सर, ठीक है ठीक होने के बाद। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। नमस्कार, लाइक करें सब्सक्राइब करें, लाइक करो भाई।